आपका कुछ नहीं है। मदीने में सबा जाना तो इतना काम कर देना, रसूल अल्लाह को मेरी गरीबी की खबर देना, नजर देना न पर देना, न घर देना न दर देना, और तुम्हें तुम्हें आठों पहर देखा करूं, ऐसी नजर देना। तैबा नगर हमें ले चल रही पुरवैया, तैबा नगर Thank you.
हुकम आते हैं अल्लाह ताला का, तो उस वक्त हुजूर ख्वाब दाह में रहते हैं, तो जिब्रील अमीन कहते क्या कह रहे हैं, सोए हुए हैं अभी अरबी सवरिया, सोए हुए हैं मेरे आका सवरिया, ना हो नींद में खलल ऐ दिल थम के मचल, ना हो नींद में खलल ऐ दिल थम के मचल, पहले तलवा नबी का हमें चूमन के इनको तो हम ऐसे ही जलाए हो तो कसम खुदा की झूठ जाए, सुनिएगा, ना हो नींद में खलल ऐ दिल थम के मचल, ना हो नींद में खलल ऐ दिल थम के मचल, पहले तलवा नबी का हमें चूमन दे, ठोस सलाम वजनदार मानिए, मुझे तो वहमो गुमा में भी दूर दूर तक नहीं था, मस्जिद में मौलाना साहब जो नमाज पढ़ाते हैं उन्होंने कहवाया, अंजुम से बोलो तैवा नगर पढ़ने के लिए, मैं यही बैठ के सुन रहा हूँ, ओ मेरे मौला तेरा करम, तेरा करम सबका है, बेशक बेशक। अब इस बन में सुनिएगा कि हमारे हुजूर का अखलाक अपने दुश्मनों से भी आप किस तरह पेश आते थे, अपने गुलामों से भी किस तरह पेश आते थे आप, तो अलालत, अलालत बीमारी के हाथ में हुजूर रहते हैं, हजरत आकाशा गुलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर बोलते हैं कि भाई एक बार ऊंट पे मैं था, आप चल रहे थे, भूल से छड़ी आपको लग गई, उसके लिए मुझे माफ करें, जो चाहे सजा दे, हजरत आकाशा गुलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, मुलाजा फरमाए थे, गुलाम भी कहते गुलाम बोले अलालत में एक दिन ये नबियों के सरदार हो,
बेशक बदले के हकदार हो। पुष्ट से हटाए नबी नूरी की चदरिया तो बोले आता शाह गुलाम हम क्या ले गए इंतकाम। बोले आता शाह गुलाम हम क्या ले गए इंतकाम। बस ये मोहरे नबूवत हमें चूमे देख के जो आया होगा
नबी की अटलिया वो है कौन खुश नसीब जरा आए तो करीब वो है कौन खुश नसीब जरा आए तो करीब अपनी आंखें जरा हमें चूम है उन लोगों को और आपको को देखना चाहती हूँ। कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, अंजू मैडम मजाक नहीं करती सीट पे। अल्लाह का करम है ऐसी पोजीशन पे हूँ कि नहीं भी गाऊँ अल्लाह तो चलाता है। ईमानदारी के साथ गाती हूँ, मेहनत का पैसा कमाती हूँ। वो है कौन खुश नसीब, वो है कौन खुश नसीब जरा आए तो करीब, वो है कौन खुश नसीब जरा आए तो करीब अपनी आंखें अपनी आंखें जरा हमें मदीना वो मदीना
के आए हैं, सुभान अल्लाह क्या बात है। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, हाँ देखिएगा, मैं बदनसीब है वो, सुभान अल्लाह, अपनी आंखें जरा हमें चुमन दे। लेकिन मैं बदनसीब है वो, भुला दिया करीना, मैं बदनसीब है वो, भुला दिया करीना, मैं आऊं भी पलट कर पहुंच गई मदीना। ओ मदीना अल्लाह बड़े बद नसीब है वो। देखिए भाई साहब, मेरे बड़े भाई हुआ, एक सुनो, उठकर कोई आपको इज्जत दे रहा है कि भाई अपने मुबारक हाथों से आप आर्टिस्ट को नवाजिए, नामे रसूल का जिक्र हो रहा है, हुजूर का जिक्र हो रहा है, इसमें आप भी नेकी में शामिल होइए। ये कुछ नहीं कि लेडीज जा रही है तो कुछ पाप कोई गुनाह कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस तरह से आदमी को नमाजिए उसी तरह से औरत को भी नमाजिए, वो भी खुदा की बंदी है, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आ रही है। ठीक है भाई साहब, आ जाइए। भाभी जी आपको कुछ नहीं बोलेगी, यहाँ मैं देख लूंगी, ऐसा कुछ नहीं। कसम खुदा की भाई, मेरे बहुत ही एक ऐसे माहौल से हमें फेस करना पड़ता है यार, जेल तो कितनी हो रहा। लेडीज तो बहुत अच्छा गा रही है, लेकिन सामने वाला बोला अरे दूंगा यार, तो वो घर में वो देख रही है, तो दोस्त दुख रहे हैं, अब वो बेचारी मेहनत की जा रही है, उसका सर का पसीना पैर पे आ रहा है। ये तो देखो कितनी मेहनत से मैंने मटेरियल जमा किया है। बड़े बदनसीब है वो, भुला दिया करीना, बड़े बदनसीब है वो, भुला दिया करीना, चलो सर के बल मदीना, चलो सर के बल मदीना, ओ मदीना। हाजी मलंग बाबा की दरगाह पे रहते हैं माशाल्लाह, अपने सर पे इनका हाथ जरूर रखवाना, कामयाबी कामयाबी है। सुने ना, आओ ए मोमिनो दरबार मदीना।
ईमान चमन कहते हैं, जिस सरकार को आलम का चमन कहते हैं। कलाम पर मैं 25 साल से गा रही हूँ, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं गुजरात के, उन्होंने कहा अंजुम जी आपके पास अभी बहुत पैसा आ गया है, आप जा सकती हैं, लेकिन ये बात मैंने देखा है कि जब तक वहां से हुक्म नहीं होगा तब तक इंसान नहीं जा सकता। दौलत ये सब रखने से कुछ नहीं, कभी कभी बहुत झोपड़े में रहने वाला इंसान पहुंच जाता है। बेशक बेशक, उसके लिए भी किस्मत चाहिए। आप लोग हमारे लिए भी दुआ कीजिए भाई, हम भी आपका आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह सबको आगे बढ़ाएंगे। आमीन आमीन। जाए तो जाए कैसे मदीना, जर नहीं अपने पास। अपनी आंसू हो प्रेम के द्वारा होगा नबी की अतरिया वो है कौन खुश नसीब जरा आए तू करीब।